ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାତ୍ରା ଏ ଯାତ୍ରା ବାହାରିଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କାକେନାଡ଼ାରୁ ଖାଲି ପାଦରେ ଦୀର୍ଘ पंद्रह ऊर्धक किलोमीटर जुड़ काकीा अंचल एक छोटिया ग्राम रो रही पखापाखी रही गोटे एगार ऊर्ध लोक जो मानक लो रही राम प्रति जो विश्वास अच्छी जो प्रेम अच्छी टाणी नौ अजोध्या तेजी सीधा सब भाव आलोचना करेत गंजाम जित्रा पहुँची केवारी आँ थी अज्ञा क्या बोलेंगे कब से ये यात्रा निकला निकला था आंध्र प्रदेश से अभी तक जाएगा फाउंडेशन का ट्वेंटी वन एट टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू तारीख में कानाडु डिस्ट्रिक्ट गोंचाला गांव से मैं निकल चुकी श्री राम जन्मभूमि अयोध्या जाने के लिए भैया काशी मैं पुरस्कार किया बीच में अन्नवर श्री सत्यनारायण स्वामी पृथ्वीपाड़ू श्री राम नाम स्तूप सिंहाचलम और अरस बिल्ली श्री नारायण ये देखो ये यात्रा आप रविवार से निकला है ये कितने दिन लगेंगे वहाँ अयोध्या पहुँचने के लिए तीन मन मंथ मैं अंतना करूँगा तीन महीना हो सकता ये यात्रा काकीनाडो डिस्ट्रिक्ट गौचाला गांव से वाया काशी में पाँच दिन रोककर अयोध्या जा रहा हूँ ये यात्रा के लिए तीन महीना लग सकते ये तीन महीने यात्रा करेंगे खाली खा, पैर में यात्रा चल चल कर पैर में जाले यात्रा करेंगे हाँ ये एक कष्ट लगेगा थोड़ा सा किंतु ये जो राम के प्रति प्रेम है विश्वास है ये आपको जी, कर ले जाते श्री राम जन्मभूमि मम पुराण में बारह साल भद्राचल श्री सा, राम नाम जब जब करके दर्शन किया इसलिए वो समय में राम जन्मभूमि में रामालय निर्माण हो हो सकते तो मैं आता हूँ प्रतिज्ञा कर दें नहीं तो ये देखो ये ये देखिए ये 2024 मकर संक्रांति तक ये राम मंदिर का जो भव्य राम मंदिर चल रहा है निर्माण चल रहा है ये कंप्लीट होगा ये कितने आप खुश हैं कि ये दो हज़ार चौबीस तक ये कंप्लीट हो जाएगा जल्दी से जल्दी कंप्लीट होने के लिए हर एक दिन राम नाम जब चलते रहते हैं हमारे स्तोप में और गांव में हमारे देवालय में हमारा मंदिर में गीता और राम नाम निरंतर प्रक्रिया हैं ये तो विश्व शांति के लिए और राम राम जन्मभूमि और रामायण और गीता पढ़ने वाला कोई तक होते रहते ये कलियुग सब कुछ आनंद रहते इसलिए भविष्य जनों के लिए ये शुभ संदेश देने के लिए परिष्कार के लिए आध्यात्मिक जीवन के लिए मैं प्रतिज्ञा करके ये यात्रा पदयात्रा कर रहा हूँ শুলে যেভাবে ভাবে ইয়ে যে আন্ধ্রপ্রদেশের কাকিনড়ার বর্তমান সময় পুরুষ মহার বার্জনের এগারো সেইভাবে ভাবে রয়েছে লক্ষ পনেরোশো ঊর্ধ্ব কিলোমিটার বর্তমান সময় অযোধ্যার রাম মন্দির শুভ বার্তা নিয়ে যাওয়া কাকি না আজ বর্তমানে যেহেতু গঞ্জামে পৌঁছি রবিবার টার বার্তা আজকে মঙ্গলবার পৌঁছিলা নিয়ে ইয়ে পাখাপাখি তিন মাছ যাত্রা রহব খালি যে চালি বর্তমান সময় বর্তমান সময় ভুবনেশ্বর কটক পুরা পাখি জামশেদপুর দে অযোধ্যা যাবে তো ইয়ে তিন মাছ যাত্রায় সে শুভচিন্তক রয়েছেন কিন্তু আগে গোটি কথা কুতে কি বর্তমান সময় যেহেতু মকর সংক্রান্তি দুই হাজার চব্বিশ মকর ସଂକ୍ରାଦିନ ବର୍ ସବୁବେଳେ ରାମ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଖିସୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍